तो आज गोवर्धन पूजा है और इस अवसर पर बीजेपी यदुवंशी समाज को अपने पाले में करने के लिए भव्य मिलन समारोह का आयोजन करने जा रही है। जाहिर है कि बीजेपी यादवों को अपने पाले में करने की कवायद में जुट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में यदुवंशी लालू यादव की पार्टी के कोर वोटर्स माने जाते हैं और ऐसे में बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने की कोशिशें कर रही है और ये कोशिशें काफी अहम भी हैं। गोवर्धन पूजा से पहले बिहार में यदुवंशी के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी मिशन 2024 को लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कोर वोटर को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। लिहाजा पटना में भव्य मिलन समारोह की तैयारी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिहार के 20,000 यदुवंशी समाज के लोग बीजेपी का दामन थामेंगे। इसको लेकर राजधानी के चौक चौराहों पर बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी का मंगलवार को बड़ा मिलन समारोह और इसको लेकर देखिए जगह जगह पे होर्डिंग पोस्टर है, गोवर्धन पूजा महोत्सव, और इसके जरिए तमाम सारे जो यदुवंशी समाज के लोग हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पे एक बनाया जाएगा कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी यदुवंशी को रिझाने के लिए अब साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। पटना के बापू सभागार में गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव सत्ताधारियों पर जमकर बरसे, बोले सनातन धर्म पर हमले से यादव समाज आक्रोशित है। कुछ जात ब्रांडिंग करते हैं, यादव ब्रांडिंग नहीं करते हैं। जो कृष्ण के वंशज हैं वो मोदी के साथ है, जो कंस के वंशज हैं वो विपक्ष के साथ हैं। यादवों में भी कंस थे और कृष्ण थे। जो कंस के वंशज हैं वो कंस के साथ रहेंगे, जो कृष्ण के वंशज हैं वो गुजरात वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, क्योंकि गुजरात में ही शरण लिए थे कृष्ण ने। और क्या नवल किशोर यादव के कृष्ण और कंस वाले बयान पर सत्ताधारी बिफर पड़े। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने एक सुर में यदुवंशी के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया। पिछड़ा तो पिछड़ा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भाजपा छूत समझती है पिछड़ों को, दलितों को, पिछड़ों को। मुजफ्फरपुर की सभा से भद्दी भद्दी बातें कही यादवों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में। ये लिट्टी ठोक व्यक्ति जो बोल रहे हैं तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए ना। जाति सूचक टिप्पणियां करना तो भाजपा नेताओं की आदत सी बन चुकी है। हमारे नेता ने हमेशा जमात की राजनीति की है, कभी जाति की राजनीति नहीं की है, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। नवल किशोर यादव जी भी उसी समाज से आते हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए उनकी मानसिकता कैसी है, कंस वाली की कृष्ण वाली। ये देश संविधान से चलता है। इस लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कह रहे हैं जो कंस के समर्थक हैं वो लालू जी के साथ हैं, तो सबसे ज्यादा दिनों तक तो नवल किशोर यादव जी स्वयं लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, उनके सिंबल पर वो एमएलसी बने। वो बताना असली कंस के समर्थक और कंस के सेनापति तो नवल किशोर यादव स्वयं दिखाई दे रहे हैं। ताजा तरीन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 14% से ज्यादा युवाओं की आबादी है। लालू यादव की यादव वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। बीजेपी इस बार लालू यादव के घर में सेंधमारी का प्लान बना रही है। रजनीश, सनी और निषेध की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। गोवर्धन महोत्सव के मौके पर यदुवंशी समाज के बीजेपी में विशाल मिलन समारोह को लेकर अब बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के आज के कार्यक्रम से विपक्ष बौखला गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी जाति किसी की भागीदारी या किसी की जागीदारी उनमें नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां और कुछ लोग खुद को ठेकेदार समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने सदन के पटल पे जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरीके से रिएक्ट किया, उससे एक बात तो
आपने भी सुना, वो लगातार क्या कह रहे थे कि रामकृपाल यादव ने अब इस मामले को लेकर यहाँ पर निशाना साधा है। रुकेंगे छोड़।